भाग निकले। ग्रामीणों ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी और इस वक्त ग्रामीण ही आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि खाना बनाते वक्त स्कूल में सिलेंडर फट गया। अविनाश से अपडेट लेते हैं। अविनाश, इस वक्त का ताजा हाल क्या है? एक हेल्पर इसमें झुलस गया है और क्या इस आग को अब बुझा लिया गया है? बिल्कुल, फैमिली स्कूल की ये घटना है। जब खाना पोषाहार का खाना बनाया जा रहा था स्कूल के बच्चों के लिए, इसी दौरान गैस की टंकी में रिसा हुआ था, उसके बाद विस्फोट हुआ जिससे जो खाना बना रही जो हेल्पर जो है महिला हेल्पर वो झुलस गई थी और टंकी में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ उसके बाद पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। डर के मारे स्कूल का स्टाफ और जो बच्चे थे वो चिल्लाते हुए स्कूल से बाहर निकले। हालांकि अभी तक बच्चों के या किसी अन्य स्टाफ के झुलसने या घायल होने की कोई जानकारी नहीं है। सभी को सुरक्षित बचाया जा रहा है। सूचना पर दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची है। आग जो लगी थी उस पर पूरी तरह से लगभग काबू पा लिया गया है और जो हेल्पर जो झुलसी थी उसको उदयपुर के लिए रेफर किया गया है। जी जी हाँ, तो उदयपुर के रेफर किया गया है जिनकी हालत गंभीर है। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो एक स्कूल में सिलेंडर फट गया।